क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिक्स होल नाइन बार टेन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। वी मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर एंड टू द प्रोडक्ट वी एड द नोमिनेटर। और पहले हम क्या करेंगे, होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्रोजेक्ट होगा वो नोमिनेटर में प्लस कर देंगे। सिक्स मल्टीप्लाई टेन प्लस नाइन बाय टेन। सिक्स टेन जा सिक्सटी प्लस नाइन सिक्सटी नाइन बाय टेन। इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन ब्लैंक्स टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको फिल करना है। फोर बाय सेवन, फोर मल्टीप्लाई नाइन, सेवन मल्टीप्लाई, एम्प्टी बॉक्स दिया हुआ है इसमें फिल करना है। फोर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पहले ही बता चुके हैं कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ नोमिनेटर को क्या है, नाइन से मल्टीप्लाई किया गया है, तो डिनोमिनेटर को भी हम नाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर नाइन जा थर्टी सिक्स, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री। क्वेश्चन नंबर ई है, फिल इन द ब्लैंक्स टू हैव द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। टू बाय नाइन, एम्प्टी बॉक्स को फिर फिल करना है। नाइन को सिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, तो फिफ्टी फोर हो गया है। तो टू को भी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ट्वेल्व। टू सिक्स जा ट्वेल्व और नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर। क्वेश्चन नंबर एफ, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल है, टू पार्ट्स इसका कलर्ड दिया हुआ है। पहले तो पूरे पार्ट्स को हम काउंट करेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है ट्रायंगल, कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स में टोटल पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल फोर और साइडेड पार्ट्स टू। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको हम, साइडेड पार्ट नोमिनेटर होगा और टोटल पार्ट्स होल डिनोमिनेटर होगा। टू बाय फोर, इसको हम वन बाय टू भी लिख सकते हैं, टू बाय फोर और वन बाय टू। फिर सेकंड है, यहाँ सर्कल बना हुआ है, सेकंड में फोर पार्ट साइडेड है और
और 12 पार्ट पूरे 12 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 4 पार्ट जो है साइडेड है, तो लिखेंगे 4/12। क्या लिखेंगे? 4/12। इसको फिर हम शॉर्ट पर इसको 4/12 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पार्ट में 12 पार्ट में है, इसका 4 पार्ट साइडेड है, इक्वल पार्ट है, इसे हम इक्वल पार्ट बन नहीं पाया है। इसको लिखेंगे 4/12 साइडेड पार्ट नोमिनेटर के एज ए नोमिनेटर के रूप में हम लिखेंगे। अब पूरा पार्ट जो है जितने भाग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको शॉर्ट फॉर्म में फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे, 1/3 क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म इसका, 1/3। अब है क्वेश्चन नंबर जी, राइट डाउन द फ्रैक्शन दैट इज शेडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। राइट डाउन द फ्रैक्शन, फिर सेम वही है 1/4, 1/, राइट डाउन द फ्रैक्शन दैट इज शेडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, सेम वही है जो ऊपर है। क्वेश्चन नंबर एच है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। नोमिनेटर को क्या करेंगे, साइडेड पार्ट में हम डिनोट करेंगे, साइडेड पार्ट होगा नोमिनेटर, एट पार्ट में डिवाइड किया गया, 5 साइडेड पार्ट होगा इसका, थ्री पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। तो 5 पार्ट को क्या कर दिए हैं, साइडेड कर दिए हैं, और पूरा 8 पार्ट तो है ही। ऊपर वाला जितना भी नोमिनेटर होगा, ऊपर वाला जितने जो नंबर होंगे उतने ही पार्ट को हम साइड कर देंगे। अब है आई, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ नोमिनेटर 12। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बनाना है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है 12 होना चाहिए, तो नोमिनेटर क्या है, 1 है। चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ नोमिनेटर 12। नोमिनेटर क्या होना चाहिए,
12 होना चाहिए। तो 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर 12 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं, 12 क्या हो जाएगा, 12/72। अब है क्वेश्चन नंबर जे, सम ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर करेक्ट बट 3 ऑफ देम आर रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग वन एंड करेक्ट देम बाय अल्टरनेटिंग द न्यूमरेटर। इसमें राइट और रॉन्ग चूज करना, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है इक्वल टू 6/10, यहाँ देखना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 6 हो गया है, तो नीचे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/15। सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इट इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो इसी तरह आप बच्चे बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।